करने वाले थे और अभी फिर से जो है बिहार का इलेक्शन होने वाला है। कल ही हमने पटना में शानदार रैली की है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां एनडीए की गवर्नमेंट है, जहां बीजेपी है और उस सरकार ने एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया है। तो आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि शुरू से ही इस मामले में राजनीतिक लाभ के लिए ये पूरा का पूरा मुकदमा जो है वो रचा गया है, राजनीतिक लाभ के लिए इसमें टालमटोल किया गया है। लेकिन अब जब इसमें अनुमति दी गई है, हम चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए ताकि देश को पता चले कि कैसे देशद्रोह जैसे, राजद्रोह जैसे कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से दिल्ली में दंगा भड़काने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर FIR करने की जब अनुमति दी, कहा एक जज ने कि आप FIR कीजिए, उनका रातों रात तबादला हो जाता है। कैसे लश्करे तैयबा के आतंकियों के साथ हथियार के साथ पकड़े जाने वाले देवेंद्र सिंह के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होता है और कैसे कर्नाटका में स्कूल के 8 साल और 10 साल के बच्चों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाता है। ये ज़रूरी हो गया है कि देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो। और हम जानते हैं कि देश के खिलाफ कोई नारेबाजी हमने नहीं की है, नारा हम लगाते हैं देश के लोगों के हक और अधिकार के लिए। अब TV वाले आपकी अदालत की जगह जो है संविधान वाली अदालत में इसका फैसला होगा, इसको इसका न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और हम शुरू से कहते हैं कि कोर्ट पे भरोसा है और इस मामले में कोर्ट न्याय सुनिश्चित करेगी, सत्य की जय होगी, सत्य में जय थी। आपने कहा टाइमिंग की बात की, आपने दिल्ली सरकार एक कार्य करती रही है और आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली सरकार भी केंद्र के साथ मिल रही है? देखिए, कानून की प्रक्रिया ये कहती है कि किसी भी मामले में 90 दिन के भीतर चार्जशीट दायर होना चाहिए। आप सब जानते हैं इसमें कई महीने लगाए गए, कई महीनों के बाद जो है कई साल लगाए गए हैं परमिशन देने के लिए और टाइमिंग पे सवाल उठना स्वाभाविक है। ये चार्जशीट तब फाइल हुआ जब हम लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे और अभी जब बिहार विधानसभा है अब उससे ठीक पहले इस मुकदमा को चलाने की अनुमति दी गई है। और आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है और गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह हैं और अमित शाह के बेटा को BCCI का सेक्रेटरी बनाया गया है और हमारे जो घर के बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनको जो है डंडा पत्थर उनके हाथ में थमा करके उनको जो है दंगाई बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल जब हम घूम घूम करके बिहार के गांव में लेके गए और उस जन दबाव के चलते BJP को भी NPR और NRC के समर्थन में प्रपोजल पास करना पड़ा, तो टाइमिंग पर सवाल उठना स्वाभाविक है। हम अननेसेसरी जो है ई फॉर बट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अब जब फैसला आया है तो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके स्पीडी ट्रायल करके तुरंत इस पे जो है न्याय को सुनिश्चित किया जाए। कन्हैया, एक सवाल आता है, आप कह रहे हैं कि हमारी जो यात्रा जो उसके बाद BJP जनगणमन यात्रा, उसके बाद जो है नीतीश कुमार की सरकार है, तेजस्वी अपना राज दोनों में क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी यात्रा के दबाव में, ये तो हमने बोला ही नहीं। हमने ये कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर BJP की सरकार है, BJP भी उसमें है और NPR और NRC के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया गया, ये अपने आप में देश में पहली चीज़ हुई है और उसके लिए हम लोग और हमारे जैसे लाखों लोगों की मेहनत है। विपक्ष की भी उसमें भूमिका है, आम जन की भी भूमिका है, जो लोग दिन रात धरने पे बैठे हुए उनकी भी भूमिका है। मैं कोई अपना पर्सनल हीरोइज़म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि कितना राजनीतिक दबाव है और कानून का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है राजनीतिक लाभ के लिए। उसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ कि आप देखिए, कपिल मिश्रा के ऊपर FIR करने को कहा माननीय उच्च न्यायालय ने, FIR नहीं हुआ, जज साहब का तबादला हो गया। देवेंद्र सिंह पे जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और आप देखिए कि स्कूल के 8 साल 10 साल के बच्चे, ये देश को जानना बहुत ज़रूरी है कि देश के लोगों की जो देशभक्ति की भावना है उसका किस तरीके से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है ये सरकारें, जो देश की जनता को उनके बुनियादी सवालों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। अपनी असफलता को छुपाने के लिए एक फर्जी बहस, फर्जी मुकदमा, फर्जी वातावरण तैयार किया जाता है। हम चाहते हैं कि ये फर्जीवाड़ा ख़त्म हो, इसीलिए हम इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और ये जो मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है उसका स्वागत किए हैं। और कई बार हमको ये पूछा गया है और मैं आपको ये बता दूं, आज से 2 दिन पहले ही BJP की एक नेता का PIL था जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिजेक्ट किया है।
कि नहीं इस मामले में हम कोई इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ये तो होगा ना कि वहाँ सबूत रखे जाएंगे, बहस होगी और सबूत पे बात होगी। कोई भी मुंह उठा करके किसी को भी देशद्रोही नहीं बोल देगा। और हम जानते हैं कि हमने नारेबाजी नहीं की है, हमने नारा नहीं लगाया है। और आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि चार्जशीट में मेरे ऊपर चार्ज क्या है, कि हमने नारा नहीं रोका, हमने नारा लगाया। हमने तो ये चार्जशीट अभी तक पढ़ा नहीं है। हमने नारा नहीं रोका, बाप का कहा हुआ बेटा नहीं मानता है, मेरे कहने से जो है देश चलेगा। और अभी तक कौन नकाबपोश लोग हैं? हर मामले में ये नकाब कहाँ से आ जाता है? JNU में नकाब लगा करके लोग हॉस्टल में हमला कर